अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। सिद्धनाथ महादेव मंदिर में मनाया गया फाग उत्सव। अड़भंगा सा रूप बनाकर नाचे शिव जी भस्म रमाकर, अड़भंगा सा रूप बनाकर नाचे शिव जी भस्म रमाकर। आज मसाने में खेले होली, आज मसाने में खेले होली, ले अघोरियों कटोला ओ होली खेले शंकर भोला, होली खेले शंकर भोला। ओम नमः शिवाय, पिशाच लगा रहे ठुमके, भस्म उड़ा रहे सब मिलजुल के, भूत पिशाच लगा रहे ठुमके, भस्म उड़ा रहे सब मिलजुल के। उछल उछल कर नाच रहे हैं, उछल उछल कर नाच रहे हैं और कर रहे रोला, होली खेले शंकर भोला, होली खेले शंकर भोला। भद्राक्ष नृत्य मंडल की ओर से फाग उत्सव मनाने जा रहा हूँ। पिछले वर्ष भी मतलब फाग उत्सव मनाया था, वो छोटे स्तर पे था, लेकिन इस बार मतलब सिद्धनाथ बाबा की पालकी भी निकलेगी और सिद्धनाथ मंदिर से सिद्धनाथ मंदिर तक आई और यहाँ पर फाग उत्सव मनाया। क्या परंपरा है, क्या कहती है इस बारे में? परंपरा तो क्या है कि काशी विश्वनाथ देवी एकादशी नरसरी एकादशी को कार्यक्रम मनाया जाता है, महाकाल उज्जैन भी मनाया जाता है, उसी परंपरा को लेकर के यहाँ सिद्धनाथ रुद्राक्ष नृत्य मंडल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। कैसा रहता है आयोजन, किस प्रकार से होता है कार्यक्रम में? हम भगवान को पहले फाल के लिए लाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर पूजन होगा, आरती होगी, उसके बाद में बाबा को गुलाल अभी गुलाल लगाए जाएंगे, उसी भक्त के लोग सब एक दूसरे को फाग उत्सव के हिसाब से। देखा गया पिछले दो साल से कहीं ना कहीं उत्सव हमारे थोड़े से खलल से फैल रहे थे, मगर इस बार फिर से शुरू होंगे, कैसा माहौल है? पिछले दो साल से कोरोना महामारी के कारण से उत्सव मनाए नहीं गए है ना, इस कारण से बाबा ने मतलब अपने यहाँ जो ओमिक्रॉन की जो बीमारी आने वाली थी वो श्री शिवाय सुब्रम के माध्यम से, श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के माध्यम से वो पूरे भारत में ना आ पाई, बाकी कुछ कुछ देशों में आई, लेकिन इस कारण से अब अपन लोग श्री शिवाय नमः शिवम का मंत्र जाप करके सारे पूरा हिंदुस्तान भारतवर्ष इससे मुक्त है।